फ्रेंड्स, आई एम जूलिया सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप। मैं आप सबके लिए आज एक नई जानकारी इस वीडियो में लेके आया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीईएल की अभी रिसेंट नवंबर मंथ में जो नोटिफिकेशन आया है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बीईएल ने अक्टूबर मंथ में भी एक नोटिफिकेशन जारी करा था, उसकी भी डिटेल मैंने आपके साथ पूरी कंप्लीट वीडियो में शेयर करी थी। बट ये जो नोटिफिकेशन है ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है? तो उसको लास्ट मंथ की नोटिफिकेशन से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये अभी रिसेंट एक नया नोटिफिकेशन आया है इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो इसमें हम लोग रिसेंट जो नोटिफिकेशन है बीईएल की उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं आपके लिए लेटेस्ट जो जॉब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन प्रसाइज मैनर में आपके लिए मैं एक वीडियो के थ्रू डिस्कस करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज के आज ही इंजीनियर्स करियर ग्रुप का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन जॉब की लेटेस्ट निकलती है उसकी नोटिफिकेशन जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप कोई भी ऐसी जो जॉब जिसको आप ड्रीम देखते हैं वो कहीं पे इस वजह से सिर्फ कि आपको वो एग्जाम के बारे में पता नहीं चला इसकी वजह से ना छूट जाए, इसलिए आप अभी के अभी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज आपके साथ साथ जो है आपके फ्रेंड्स भी जो है वो इसके बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वो ले सके। आइए जानते हैं और बीईएल के बारे में बात करते हैं। बीईएल ने अभी जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है वो अनाउंस कर दी है, और इसमें 125 पोस्ट अनाउंस करी गई है। बहुत अच्छा अभी नंबर ऑफ है जो इन्होंने अनाउंस करा है। लास्ट मंथ की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें ओनली 33 पोस्ट थी, तो अभी 125 जो पोस्ट है अनाउंस करी गई है। मैं सब बच्चों को ये बोलता जा रहा हूँ, डे बाय डे वैकेंसी जो निकलती जा रही है बढ़ के निकलती जा रही है, सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको पढ़ना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रिपरेशन आप करके रखिएगा। हर दिन नई नई वैकेंसीज आती जा रही हैं, आप वैकेंसीज की सिर्फ वेट मत करिएगा, ठीक है? वैकेंसी तो निकली जानी है बट प्रेपरेशन होना बहुत जरूरी है। बस हम मार कहाँ खाते हैं, हम प्रेपरेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ एग्जाम की वेट करते रहते हैं, और जब एग्जाम निकलता है तब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जो इस एग्जाम की अभी 25 नवंबर को तो ये एग्जाम क्लोज ही हो जाएगा, ठीक है? तो ओनली 20-25 डेज का टाइम तो आपको सिर्फ एग्जाम फिल में दिया जा रहा है, विद इन 1 मंथ इसका सारा जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने टाइम में आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं बचता है, सो इन बातों को ध्यान रखिएगा, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो बी बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, और आपको 25 नवंबर तक जो है इसकी लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की। इसको आज के आज अभी के अभी अप्लाई कर देना इस वीडियो के तुरंत बाद, और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेट मत करना, बिकॉज नेक्स्ट वीक जो है फिल करा, ध्यान रखना कि हमारे को जो है वो अभी के अभी जो है आज के आज इस वीडियो के बाद तुरंत फॉर्म जो है फिल कर देना है। आगे हम देखते हैं फर्दर जो जानकारी है वो हम लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी की मैं अगर बात करता हूं तो बी बीटेक आपकी फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, और अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो फर्स्ट क्लास का बाद में ध्यान में रखिएगा। यूजली यूनिवर्सिटी जो है 60% जो है फर्स्ट क्लास डिग्री बोलते हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं 65% 6.5 सीजीपी को जो है वो फर्स्ट क्लास बोलते हैं। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी क्रिटेरिया के हिसाब से देखना है। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, मार्क्स मिनिमम मेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास मेंशन है। और यहाँ पास क्लास दिया गया है फॉर कैटेगरी एंड हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए, तो पास क्लास की भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ही डीएमसी के ऊपर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो रहते हैं पास क्लास के लिए। तो इन बातों को ध्यान में रख के ही अपने फॉर्म जो है फिल करना है। इंडियन नेशनल आप होने चाहिए, और 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। जो लास्ट मंथ का नोटिफिकेशन था उसमें जो 2020 के स्टूडेंट पास आउट थे वो अप्लाई कर सकते थे, बट इसमें 2019 वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज 2020 स्टूडेंट्स का भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी तरह से पूरा नहीं होता है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी ऐसा अनएथिकल वे से एक्सपीरियंस शो मत करना, बिकॉज आपकी डिग्री ही मई में फिनिश होती है, तो आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी वे में किसी भी तरह से नहीं शो कर पाएंगे, बिकॉज 1 नवंबर 2020 तक का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो 2019 के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं जिनको 1 साल जॉब करते हुए हो गया, और जहाँ जिन्होंने भी कोई भी जो जॉब अभी कर रहे हैं, जो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करी थी, वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आगे मैं एज लिमिट की बात करूं तो 25 ईयर्स एज लिमिट है फॉर ट्रेनी इंजीनियर 1 एंड 20 ईयर्स की एज लिमिट है ट्रेनी इंजीनियर 2 एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। जो ट्रेनी इंजीनियर 1 है इसके लिए आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो ट्रेनी इंजीनियर 2 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 है इसके लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ये बात ध्यान में रख लेना कि इसके लिए आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेनी इंजीनियर के लिए, और ट्रेनी इंजीनियर 2 एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए आपको
टू ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए इसकी एज लिमिट भी जो है वो ज्यादा ही मेंशन करी गई है 28 ईयर्स के लिए। और आपका अगेन जो एज लिमिट काउंट होनी है वो 1 नवंबर 2020 तक कैलकुलेट होगी। एज पर द कैटेगरी रिलैक्सेशन, कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो 30-33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी की 28-31 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर वैकेंसी की बात करूं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, ट्रेनिंग इंजीनियर की वैकेंसीज हैं और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ही मेंशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है कि अदर देन द स्ट्रीम्स और अदर देन इंटर डिसिप्लिनरी स्ट्रीम्स एलिजिबल नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मैकेनिकल में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले नहीं कर सकते हैं। इसमें क्लियरली मैंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यही स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो अराउंड जो आपकी है हर के लिए आपके 60-65 वैकेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैकेनिकल के लिए अवेलेबल हैं, तो बहुत अच्छा फिगर है। इसमें आप बड़े अच्छे ढंग से जो जॉब है इस बीएल में आप के वैकेंसी इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आप हायर हो सकते हैं। सो इसको थोड़ा सिंसियरली सीरियस नोट पे लेके थोड़ा सा इसको अप्लाई करिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एकेडमिक जो मार्क्स हैं वो 75% वेटेज रहेगा, मीन जो भी आपके बीटेक के मार्क्स हैं उसकी 75% वेटेज दिया जाएगा। एक्सपीरियंस को 10% वेटेज दिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू को आपको 15% वेटेज दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ना ही गेट का एग्जाम मांगा गया है, ना ही इनका अपना एग्जाम होना है। इसमें सीधा सीधा जो एक इंटरव्यू होना है, पर इंटरव्यू टेक्निकल होता है, उस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो हायरिंग करी जाएगी। उसमें भी 75% एकेडमिक मार्क्स, 10% एक्सपीरियंस और 15% इंटरव्यू के मार्क्स जो टोटल जुड़ेंगे उसमें 100% वेटेज के हिसाब से आपको फिर जो है फाइनल जो सिलेक्शन जो मेरिट बनेगा उसमें आपका नाम आएगा। तो मैं बार बार सारे स्टूडेंट्स में जाता जा रहा हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, चाहे इंटरव्यू हो रहा है चाहे रिटन एग्जाम हो रहा है, अल्टीमेटली आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार प्रिपरेशन अपनी अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद आप हर एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। सो इस बात को थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, जो ये सोच रहे हैं कि अभी कोई वैकेंसी निकलेगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए स्पेशल है हिदायत कि आप अभी कभी आज के आज पढ़ना स्टार्ट कर दें, बिकॉज वैकेंसी तो बहुत आने वाली है। और बीईएल नहीं, अभी 2 महीनों में 200 वैकेंसीज निकाल दी है, ठीक है, ऐसे हर कंपनी वैकेंसीज निकालती जा रही है। तो वैकेंसीज की कमी नहीं है, कमी कहाँ पे है, जो हमने प्रिपरेशन नहीं करा है। तो उस कमी को सबसे पहले समझिए कि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन कर लोगे तो 100% जॉब अगर एक सीट भी निकलती है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे आप उसमें। आगे मैं बात करता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। आप इसका www.apply.exam.co.in पे जाके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फी जो पे करनी है ट्रेनिंग इंजीनियर 1 एंड 2 के लिए 200 रुपीज पे करने हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 फीस पे करनी है आपको। कैटेगरी और फिजिकल एंटीट्यूड स्टूडेंट के लिए किसी भी तरह की कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी इसमें। पैकेज की बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर का जो पैकेज है वो 3-4 लाख का होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो पैकेज है 5-6 लाख रुपीज का होगा, प्लस अलाउंसेज होते हैं। और आपने अगर 1 ईयर करा है और एज अ मतलब 1 ईयर अगर हमने करा है तो एक तरह के फ्रेशर कैंडिडेट ही हैं आप अभी, तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छा एक अच्छा पैकेज है। मैं मान सकता हूँ कि एक स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बड़ी बात है कि आप अपनी कोर कंपनी में काम करेंगे, अगर एक बार आप कोर कंपनी में काम करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे और मौके आपको मिलते हैं जिसमें आप अपनी ग्रोथ करियर की ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सो इस एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस नोट पे लेके फिल करें और इसके थ्रू आपको बहुत अच्छा करियर जो है वो मिल सकता है। सबसे आप इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें पढ़ना कैसे है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्या करते हैं वैकेंसीज की वेट करते रहते हैं बट पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ना आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, एग्जाम कैसे क्वालिफाई होंगे, सिलेबस क्या होगा, तो इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप का आइदर ऑनलाइन लाइव कोर्स आइदर क्लासरूम कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उन कोर्सेज में हम आपको एग्जैक्टली जैसा इन एग्जाम्स में इन जो नोटिफिकेशन होती है इनमें जो पेपर आता है उसमें सिलेबस रहता है उसी के अकॉर्डिंग टेक्निकल में आपको प्रिपेयर करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको जो भी प्रिपरेशन करवाई जाए आप सिर्फ एक बीएल का एग्जाम ही नहीं, इसके अदर जितने भी एग्जाम निकलते हैं उन सारे एग्जाम्स में आप जो है वो एलिजिबल रहें, उन सबके एग्जाम की प्रिपरेशन आपके पास एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन आपको करा दी जाए, सो दैट हर तरह का एग्जाम जो है वो आप क्वालिफाई कर सकें। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स करते हैं उनको लाइफ टाइम रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं,
साथ में जो भी स्टूडेंट क्लासरूम कोर्स करते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से रहेगी। क्लासरूम में ही आपको डिटेल्ड में थ्योरी पढ़ाई जाती है, साथ में क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंजीनियर्स के रूप के ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीएससीज में काम करते हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे सिलेक्ट होते हैं। तो अभी मैं अगर बात करूँ आरबीआई की, बात करूँ एचएससी की, एग्जाम करूँ एचपीएसएससी की, बात करूँ पीएसपीसीएल की, बात करूँ पीएसटीसीएल की, एग्जाम बात करूँ मैं गेट एग्जाम के थ्रू, बात करूँ मैं चाहे पीएसयू की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूँ, हर जगह इंजीनियरिंग के रूप के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो ऑलरेडी जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आप भी एक अच्छा करियर अपनी अपने करियर की नई डायरेक्शन दे सकें, सो इंजीनियर्स के रूप के साथ आज के आज ही जो है वो ऑनलाइन और क्लासरूम कोर्स जिस भी तरह से कंफर्टेबल है उसी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। बट एक बार प्रेपरेशन करके जरूर जाइएगा, बिना प्रेपरेशन प्लीज मत अटेम्प्ट करिए। बिना प्रेपरेशन के आप अटेम्प्ट करते हैं आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप आगे पढ़ना छोड़ देते हैं और क्या फॉर्म ही फिल करना बंद कर देते हैं। तो एडमिशन अभी सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज के आज ही हमारे से कंडक्ट जो है आप कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली गेट का एग्जाम की कोचिंग करना चाहते हैं, गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 21 और 22 के लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, और प्लस अभी क्लासरूम कोर्स भी जो है वो रिसेंटली अनाउंस हो चुके हैं। किसी भी तरह की एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800-270-4242 पे कॉल करके हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस करके उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कौन से ऐसे जो कोर्सेज हैं जो आपके लिए सुटेबल हैं, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे की क्वेरीज आती हैं जिनके बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जहाँ थोड़े वीक रह जाते हैं कॉलेज के टाइम पे, थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में, जिसकी वजह से उनको बाद में आगे पढ़ने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए भी हम आपको एक अलग से कोर्स करवाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक कोर्स ही करवाया जाता है, जिसमें फिर आपको फाइनल जो मेन कोर्स होता है उसमें बिठाया जाता है। तो बिकॉज हमारी ये टेंडेंसी है कि आपको प्रिपरेशन इस तरह से करवाई जाए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, बिकॉज हम लोग जो पढ़ाते हैं उसे सिलेक्शन ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, हमारा फोकस है सिलेक्शन ओरिएंटेड बढ़ाने का है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेक्ट हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इंजीनियर्स के रूप के ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज या क्लासरूम कोर्सेज के लिए आप जो है वो आज के आज ही जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एसएससी जेई के एस्पिरेंट हैं, जो स्टेट जेई और एई के एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसके भी डेडिकेटेड जो बैचेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं एक बार क्लियर कर दूं, इंजीनियर्स करियर का भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में जो सिर्फ डेडिकेटेड कोर्स अप्लाई प्रोवाइड करता है गेट और एसएससी जेई के लिए। मीन्स एसएससी जेई और स्टेट जेई एई जेई के एग्जाम हमारे बिल्कुल कोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और गेट और ईएस के जो हमारे बैचेज होते हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। सो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे को अगर मैं तैयारी करूंगा तो मेरे को गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम आपको गेट के लिए नहीं, हम आपको स्टेट जेई या ऐसे जो पीएसयू के जो इंडिपेंडेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए अलग से तैयार करते हैं, बिकॉज इन एग्जाम का लेवल जो है काफी डिफरेंट होता है, और इनमें स्टेट जीके या अदर जीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही पूछे जाते हैं, जो हालांकि गेट में नहीं पूछे जाते हैं। तो सो हमारे को इस चीज का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, पिछले 12 साल से हम ये करवा रहे हैं। तो आप जो है अगर चाहते हैं, थोड़ा सा भी सपना देखते हैं कि मेरे को ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, तो आज के आज ही आप जो है हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अभी 2 नवंबर से जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो आज के आज अभी ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज कोविड-19 की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे पास ये लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड बैचेस हैं, बिकॉज बैच साइज सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का ही है। सो आपको पहले प्रायर रजिस्ट्रेशन जो है वो 1800-270-4242 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे करवानी है, उसके बाद ही आप ऑफिस में जो है वो आके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, तो हमें बैचेस अपने उसी हिसाब से डिवाइड करने हैं कि सो दैट बहुत ज्यादा रश एक बार में इकट्ठा यहाँ पे ना हो जाए। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही जो है वो क्लासेस चलानी है। तो सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो 1800-270-4242 पे अभी कॉल करके अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड आप ले सकते हैं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे को तैयारी तो करनी है, पता नहीं मैं तैयारी कर पाऊंगा, मेरी तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जब मैंने जॉब करी मेरी कोविड-19 में जॉब चलेगी, अब इसके बाद मैं आगे क्या करूंगा, जब मेरे मार्क्स थोड़े कम है मेरे को जॉब मिल पाएगी, जब मेरे को कुछ नहीं आता है तो मेरी प्रिपरेशन कैसे होगी। अगर किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है,
उसको अपने मन में मत रखिएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी 1000+ स्टूडेंट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो डेली बेसिस पे जो भी उनको क्वेरीज रहती हैं, जो भी उनके डाउट्स आते हैं, तो वो मेरे से डिस्कस करते रहते हैं। और मेरी भी ये कोशिश रहती है मैं हर स्टूडेंट को जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके उनको आंसर करके उनको सही डायरेक्शन दिखा सकूँ। अभी तक 15,000+ स्टूडेंट जो है वो मेरे से जो है वो गाइडेंस ले चुके हैं, वो चाहे सेमिनार्स के थ्रू है, वेबिनार्स के थ्रू है, वो चाहे हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो स्टूडेंट डेली बेसिस पे हमारे पास इंक्वायर करते हैं, जो हमारे ऑफिस विजिट करते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट जो है डेली बेसिस पे गाइडेंस लेते हैं। अगर आप भी गाइडेंस लेना चाहते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और आप भी कहीं पे सही जगह पे पहुंच जाए, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-270-4242 पे कनेक्ट कर लीजिएगा। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शाइनेस, आप मेरे से कोई भी अपनी जो प्रॉब्लम है, जिस भी तरह का आपको कोई डाउट है मन में, वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, उसका आंसर आपको करूंगा, और हम आपके सारे जो पॉइंट है वो नोट डाउन करके उसके ऊपर वर्कआउट करके आपको एक चार्ट बना के देंगे, एक प्लान बना के देंगे, सो दैट कि आप जहां पे भी इस टाइम पे स्टैंड कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करके आप टॉपर कैसे बनना है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हम आपको बना के देंगे, उसको फॉलो भी हम आपको करवाएंगे और आपको टॉपर भी बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसको बिना किसी हेजिटेशन के मेरे साथ अभी आज के आज ही आप जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा। और कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर जॉब अपडेट या अदर भी कोई प्रेपरेशन स्टडी से रिलेटेड या रिलेटेड एग्जाम के सिलेबस के रिलेटेड या किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। वहां भी मैं डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लोट करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ स्टूडेंट के साथ। ये आपके लिए एक पिन पॉइंट है जहां से आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड एक सिंगल पॉइंट से सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए बिना हेजिटेशन के आज इस नंबर को अभी कभी 1800-270-4242 को अभी कभी कॉल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।